जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपकी सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के विषय में, आपके घर में धन सम्पदा और सुख समृद्धि लाने के विषय में। क्या आप भी कर रहे हैं आर्थिक परेशानियों का सामना? तो करें संदूर से ये अद्भुत उपाय और भूल जाइए सभी परेशानियों को। माना जाता है कि अगर पृथ्वी पर कोई दैविक शक्ति मौजूद है तो वो साक्षात संकट मोचन हनुमान है। वैसे भी आपने अपने बड़े बुजुर्गों से यह कहते सुना होगा कि जब भी मन विचलित हो या किसी तरह का डर हो तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए। ऐसा करने से मन का डर तो खत्म होता ही है, साथ ही हम आने वाली बुरी शक्तियों और मुसीबतों का खात्मा भी हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम धरती छोड़कर देवलोक को जा रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी को धरती पर ही रहकर हर जन्म लेने वाले हर बुरी शक्तियों का नाश करने की व उनके भक्तों की रक्षा करने की आज्ञा दे दी, और तभी से भगवान हनुमान उनके भक्तों की रक्षा करते आ रहे हैं। तो आप भी आने वाली दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो करें ये चमत्कारी उपाय। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में हमेशा से ही सिंदूर को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, साथ ही इसका विवरण तंत्र शास्त्रों में भी किया गया है। तो आइए आज हम असरदार टोटके की तरफ से आपको बताते हैं कि मात्र सिंदूर के प्रयोग से आप कैसे अपने जीवन के सभी दुखों, संकटों और आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। जो लोग अक्सर एक्सीडेंट जैसे भयानक मुसीबत का सामना करते हैं वे मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और सिंदूर का दान करें। देखिए, ये परेशानी हमेशा के लिए आपके सर से टल जाएगी। अगर आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं तो बुधवार की सुबह या फिर सायंकाल में एक पीपल के पत्ते में थोड़ी फिटकरी और थोड़ा सिंदूर बांध लें। ऐसा करने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखे बड़े पत्थर के नीचे दबाकर चले आएं। ख्याल रहे कि दोबारा पीछे पलटकर नहीं देखना है। जीवन में आ रहे अन्य बाधाओं को खत्म करने के लिए बुधवार के दिन एक पीला कपड़ा लें, थोड़ा केसर और थोड़ा सिंदूर मिलाकर एक जगह एकत्रित कर लें। फिर अपनी रिंग फिंगर की सहायता से उस कपड़े पर 63 नंबर लिखकर 63 लिखकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए एक नारियल लें और उस पर सिंदूर लगाकर एक लाल कपड़े में बांध लें। इतना करने के बाद नारियल को पूजा वाले स्थान पर रखकर उसकी पूजा करें। पूजा के बाद नारियल को अपनी तिजोरी या फिर किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी धन से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा धन संपदा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इन उपायों को अपनाकर अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।